टॉर्टेरा टर्टविक था तब बहुत ज्यादा पावरफुल था। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पोकेमोन की दुनिया में। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकेस्ट पोकेमोन ऑफ एश फ्रॉम ईच टाइप, मतलब एश का वीकेस्ट पोकेमोन हर एक टाइप से। और गाइस, इस वीडियो में मैंने बस उन टाइप को लिया है जिसमें एश के पास दो से ज्यादा पोकेमोन है। सो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और पोकेमोन की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला टाइप है फायर टाइप। गाइस, एश का वीकेस्ट फायर टाइप पोकेमोन है टॉर्कोल। गाइस, टॉर्कोल एश का होइन रीजन का फायर टाइप पोकेमोन है। टॉर्कोल के पास ओवरहीट और फ्लेम थ्रोवर जैसे पावरफुल अटैक थे, लेकिन टॉर्कोल बहुत सारे मैच हारा है। गाइस, टॉर्कोल हमेशा रोता रहता है और गाइस, एश ने टॉर्कोल को ट्रेनिंग भी दी थी, तब भी टॉर्कोल बहुत वीक पोकेमोन है। टॉर्कोल के पास टाइप एडवांटेज था जब वो स्टीलेक्स से और रेजिस्टील से फाइट कर रहा था, क्योंकि टॉर्कोल फायर टाइप पोकेमोन है और स्टीलेक्स और रेजिस्टील स्टील टाइप पोकेमोन है, और स्टील टाइप पोकेमोन फायर टाइप पोकेमोन के फायर टाइप अटैक से वीक होते हैं। और टॉर्कोल के पास तो ओवरहीट और फ्लेम थ्रोवर जैसे पावरफुल फायर टाइप अटैक थे, लेकिन तब भी टॉर्कोल रेजिस्टील और स्टीलेक्स से हार गया। सो गाइस, अगला टाइप है वाटर टाइप। सो गाइस, एश का वीकेस्ट वाटर टाइप पोकेमोन है टोटोडाइल। गाइस, टोटोडाइल एश का जोटो रीजन का पोकेमोन है। टोटोडाइल भी बहुत सारे पोकेमोन से हारा है। गाइस, एश का टोटोडाइल अगर किसी पोकेमोन से फाइट करता है तो बहुत जल्दी हार जाता है। टोटोडाइल ने बस दो पोकेमोन को हराया है, ऑनेक्स को हराया है और स्नीजल को हराया है। गाइस, अगला टाइप है फ्लाइंग टाइप। सो गाइस, पिजियोटो एश का वीकेस्ट फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है। गाइस, पिजियोटो टीम रॉकेट से हारा है, पिंसर से हारा है, ब्रॉक के जियोड्यूट से हारा है, वेनोमोथ से हारा है और भी बहुत सारे पोकेमोन से हारा है। और गाइस, पिजियोटो टीम रॉकेट को भी नहीं हरा पाया था। और गाइस, जब पिजियोटो पिजियोट में इवॉल्व हो गया तब एश ने पिजियोट को छोड़ दिया था। गाइस, अगला टाइप आता है बग टाइप। सो गाइस, बटरफ्री एश का वीकेस्ट बग टाइप पोकेमोन है। बटरफ्री अच्छा पोकेमोन है, लेकिन बटरफ्री ने ज्यादा पोकेमोन से फाइट नहीं किया है। और अगर हम एश के बाकी बग टाइप पोकेमोन की बात करें जैसे हेराक्रॉस और लीवेनी, तो गाइस हेराक्रॉस और लीवेनी बटरफ्री से ज्यादा स्ट्रांग है। और गाइस, एश के बटरफ्री के अटैक भी पावरफुल नहीं है, इसलिए गाइस बटरफ्री एश का वीकेस्ट बग टाइप पोकेमोन है। गाइस, अगला टाइप है नॉर्मल टाइप। सो गाइस, टोरोज एश का वीकेस्ट नॉर्मल टाइप पोकेमोन है। गाइस, एश के टोरोज ने बहुत कम पोकेमोन से फाइट की है और एश के टोरोज ने बस विनासोर को हराया है। और गाइस, गैरी के नीडोक्वीन ने बस अपने एक अटैक से टोरोज को हरा दिया था, और एलकजम ने भी टोरोज को हरा दिया था, इसलिए टोरोज एश का वीकेस्ट नॉर्मल टाइप पोकेमोन है। सो गाइस, अगला टाइप है ग्रास टाइप। सो गाइस, एश का वीकेस्ट ग्रास टाइप पोकेमोन है टॉर्टेरा। गाइस, जब टॉर्टेरा टर्टविक था तब बहुत पावरफुल था और टर्टविक ने बहुत सारे पोकेमोन को हराया था, लेकिन जब टर्टविक टॉर्टेरा में इवॉल्व हुआ तब टॉर्टेरा बहुत सारे पोकेमोन से हारा है, जैसे वॉल्कनर के इलेक्टावायर से हारा है, पॉल के ड्रैपियन से हारा है और भी बहुत सारे पोकेमोन से हारा है। एश ने टॉर्टेरा को ट्रेनिंग दी थी और टॉर्टेरा के पास लीफ स्टॉर्म, एनर्जी बॉल और रेजर लीफ जैसे पावरफुल अटैक थे, लेकिन टॉर्टेरा पावरफुल पोकेमोन नहीं बन पाया, इसीलिए गाइस टॉर्टेरा एश का वीकेस्ट ग्रास टाइप पोकेमोन है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में।